हेलो फ्रेंड्स, ममता किचन स्टार हिंदी में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर की खिचड़ी, जिसके लिए हमने लिए हैं 300 ग्राम चावल हैं। इसे अच्छे से धोकर हमने भिगोकर रख दिया है। इसे 10 मिनट हो चुके हैं चावल को भिगे हुए। भीगकर खिचड़ी अच्छी बनती है और एक सीटी में बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए, प्याज हमने लिया है इसके लिए, 2 प्याज हैं जिसे इस तरीके से कट कर लिया है मोटा मोटा, और 2 टमाटर हैं इसे भी कट करके रख लिया है। आलू मटर लिए हमने, 4 स्मॉल साइज़ के आलू हैं जिसे इस तरीके से कट कर लिया है। ये सफल मटर है, 200 ग्राम हमने मटर ली है। मसालों में हमने इसके लिए लिया है 1 चम्मच है नमक, इसे आप स्वाद अनुसार लें, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच है मिर्च, स्पाइसी है इसलिए मैंने 1/2 चम्मच ली है, आप इसे भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 1/2 चम्मच से थोड़ी सी कम हल्दी पाउडर है। कुकर हमने गैस पर रख दिया है, गैस ऑन करके तेल भी गर्म हो चुका है। देखिए, 1/2 चम्मच हमने तेल यूज़ किया है इसमें। सबसे पहले ऐड करेंगे हम जीरा इसके अंदर। तेल हमारा गर्म हो चुका है, ये देखिए, जीरा भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जीरा भुन चुका है। इसके बाद ऐड करेंगे हम प्याज, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, प्याज भुन चुकी है हमारी। मसाले और टमाटर हम एक साथ इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और मसाला भुनने तक इसको 2-3 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, ताकि मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए और मिक्स हो जाए। बीच बीच में चलाते रहना इसे। ये देखिए दोस्तों, मसाले हमारे भुन चुके हैं, टमाटर प्याज अच्छे से हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आलू मटर जो हमने इसके लिए रखे थे। अब इसको भी कम से कम 2 मिनट के लिए भूनेंगे अच्छे से, उसके बाद ऐड करेंगे हम इसके अंदर चावल। ये देखिए दोस्तों, 2 मिनट हमने आलू मटर अपने भून लिए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चावल और पानी। देखिए, इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स करके इसके बाद पानी ऐड करेंगे हम। ध्यान रहे, चावल से थोड़ा सा ऊपर पानी रखना है हमें। ये देखिए, ये लोटा है एक, इसे 1/2 लोटा पानी यूज़ किया है मैंने इसके अंदर। अभी थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे हम इसमें। ये देखिए, ये पानी हमारा प्रॉपर हो चुका है। अब इसे हम 1 सीटी आने तक कुकर का ढक्कन लगा कर रख देंगे। अगर आप चावल बिना भिगोए बना रहे हैं तो कुकर में 2 सीटी लगाएँ, भिगो कर बना रहे हैं तो 1 सीटी लगाएँ। ढक्कन लगाकर हम इसका मीडियम फ्लेम पे गैस को रख देंगे। ये देखिए दोस्तों, 1 सीटी इसमें आ चुकी है और गैस निकल चुकी है। अब हम इसे खोल कर देखते हैं। खिचड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई। ये देखिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें और खिचड़ी हमारी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है, एकदम खिलमा। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया खिचड़ी बनी है। हम आपको अभी निकाल कर दिखाते हैं। आप इस तरीके से बनाना ज़रूर, और बताना मुझे कमेंट में कि आपकी आलू मटर की खिचड़ी कैसी बनी और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एक बार फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।